हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। हिंदी सिनेमा जगत के पहले फिल्म जीनियस गुरु दत्त, एक वर्सटाइल डायरेक्टर, सधे हुए एक्टर और संजीदा राइटर। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार। एक ऐसे परफेक्शनिस्ट जिनके गिनती दुनिया के महान फिल्मकारों में होती है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से, जहां मृतों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है। प्यासा, कागज के फूल और साहब, बीबी और गुलाम जैसी वर्ल्ड फेमस कल्ट फिल्में बनाने वाले एक महान फिल्मकार। छोटे बाबू के सामने जो जी चाहे करो, लेकिन मेरे सामने नहीं पी सकोगी। इधर आओ बोतल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी बड़ी शख्सियत पर दो बार लड़कियों को भगाने, दो शादियों के बाद तीसरी बीवी को धोखा देने और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगे और खूब आलोचनाएं हुई। चाल चलन में संभालूं या न संभालूं, ये मेरी जाती चीज है, इसमें आपको बोलने का कोई हक नहीं। क्या आप मानेंगे कि समाज और जिंदगी के गंभीर मुद्दों पर फिल्में बनाने वाले गुरुदत्त ने उस दौर की नंबर वन सिंगर अपनी पत्नी गीता दत्त के काम करने पर पाबंदी लगा दी थी और सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए गीत गाने को मजबूर कर दिया था? और क्या आप यकीन मानेंगे कि गुरु दत्त की वजह से इनकी सिंगर पत्नी ने आखिरकार अपनी याददाश्त खो दी और आर्थिक तंगी और गंभीर बीमारी से जूझते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया? बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। गुरु दत्त, गीता दत्त, दोनों ही हिंदी सिनेमा की दुनिया के ब्रिलियंट आर्टिस्ट, पर जितनी महत्वपूर्ण और बेसब्र करने वाली कहानी गुरु दत्त की है, उतनी ही गीता दत्त की भी है। और पति पत्नी के बीच में तीसरी महिला का किरदार भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज के अपने शो में हम बात करेंगे इसी खास किस्से की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने इस शो में हम गुरुदत्त की निजी जिंदगी की कुछ ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो कि आप में से कम ही लोग जानते होंगे। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था। उनकी मां वसंती पादुकोण थीं और पिता का नाम शिवशंकर राव पादुकोण था। परिवार कलकत्ता चला गया था, जहां से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन गरीबी की वजह से वो पूरी न हो सकी। यहां कलकत्ता में रहते हुए उन पर बंगाली संस्कृति की इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने अपने बचपन का नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण से बदलकर गुरु दत्त रख लिया। फिर 1942 में डांस में रुचि की वजह से वो अल्मोड़ा चले गए। गुरुदत्त वहां पंडित उदयशंकर के स्कूल ऑफ डांसिंग एंड कोरियोग्राफी में डांस की ट्रेनिंग ले रहे थे। खबरों की माने तो इसी दौरान कंपनी की एक प्रमुख महिला के साथ संबंधों की ढेर सारी उड़ती खबरों की वजह से 1944 में उन्हें वहां से निकाल दिया गया। भाग चलो मेरे साथ। है मैं कुछ नहीं, देख निक्की, हम आदमी है फक्कड़, जान देते हैं तुझ पे सो ठीक है, लेकिन एक बात सफा सफा कह देता हूँ, मुझे हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। वहाँ से कलकत्ता गए और एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में कुछ दिन काम किया। फिर 1947 में उनकी माँ ने उन्हें एक कंपनी सीईओ के असिस्टेंट के रूप में एक नौकरी दिलवाई। लेकिन यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा पहले की नौकरी में हुआ था, और कथित तौर पर एक असिस्टेंट डांसर विद्या के साथ अफेयर की वजह से गुरुदत्त ने एक बार फिर अपनी नौकरी खो दी। खत्म नहीं हुआ, साबित कर दूंगा मैं खत्म नहीं हुआ। दावा किया जाता है कि गुरुदत्त विद्या को भगाकर साथ ले गए थे और शादी करने वाले थे। आओगी मेरे साथ? लेकिन कालू, मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो। इसमें सोचने की क्या बात है, अगर तय करने में तकलीफ होती है तो ये ले दो अन्नी, चितपट कर ले। लेकिन विद्या के मंगेतर ने पुलिस कार्रवाई की धमकी दी, जिसके बाद गुरुदत्त उसे छोड़ गायब हो गए। तब जाकर मामला शांत हुआ था। आने दे पुलिस वाले को, पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो मैं बुला दूं। विकिपीडिया पर भी इसके बारे में लिखा गया है, लेकिन इन घटनाओं में कितनी सच्चाई है हम ये दावा नहीं कर सकते। बताते हैं कि इसके बाद गुरुदत्त लगभग 10 महीने तक बेरोजगार रहे थे और मुंबई के माटुंगा में अपने परिवार के साथ रहे थे। खबरों के मुताबिक इसी दौरान गुरुदत्त ने दो बार शादी भी की। पहली बार विजया नाम की एक लड़की से, जिसे वो पूना से लाए थे।
जब वो चली गई तो दूसरी बार अपने माता पिता के कहने पर अपने ही रिश्ते की एक भांजी सुवर्णा से, जो हैदराबाद की रहने वाली थी, लेकिन उनकी ये दोनों ही शादियां ज्यादा दिन तक नहीं चली। फिर गुरुदत्त ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत एक कोरियोग्राफर के रूप में की और बॉम्बे में धीरे धीरे उनका करियर आगे बढ़ने लगा। इस बीच उन्होंने कुछ छोटे मोटे रोल भी किए और साल 1951 में गुरुदत्त की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म बाजी की शूटिंग शुरू हुई। इसके एक गाने की रिकॉर्डिंग बम्बई के महालक्ष्मी स्टूडियो में हो रही थी। वो गाना था तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। इसे गाने आई थी 20-21 साल की खूबसूरत हसीना गीता। वो युवती तब इतनी ऊंचाई पर बैठी थी कि गुरुदत्त जैसों की वहां तक पहुंच भी नहीं थी। गीता घोष रॉय चौधरी जमींदार परिवार से थी, स्टार सिंगर थी और तब तक कई भाषाओं में 500 से ज्यादा गाने गा चुकी थी। वो भव्य लिमोजीन में घूमती थी और उनके पीछे संगीतकारों की लाइन लगी रहती थी। इसी फिल्म से दोनों करीब आ गए और 3 साल तक चले प्यार के किस्से के बाद दोनों ने 1953 में शादी कर ली। ये शादी बंगाली रीति रिवाज से धूमधाम से की गई थी। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। गुरुदत्त और गीता दत्त के 3 बच्चे हुए, तरुण, अरुण और नीना। शुरू में सब कुछ ख्वाब की तरह था, पर शादी के कुछ साल बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। इस मुद्दे पर काफी रिसर्च के साथ अपनी किताब गुरुदत्त एन अनफिनिश्ड स्टोरी लिखने वाले यासिर उस्मान बताते हैं कि शादी के बाद गुरुदत्त ने गीता को फिल्मों में गाने से मना कर दिया और उन पर लगातार दबाव बनाते रहे कि वो सिर्फ उन्हीं के प्रोडक्शन की फिल्मों के लिए गाने गाएं। शादी के बाद जो गाने गीता को मिलने थे वो आशा भोसले को मिलते रहे और आशा सफल होती गईं, जबकि नंबर 1 गायिका गीता अब गुमनामी में खोने लगी थी। यासिर उस्मान लिखते हैं कि तब गीता गुरुदत्त के लिए एक ट्रंप कार्ड थी, जो उनकी हर फिल्म में गाने गाया करती थी। मेरी बात रही मेरे मन में। और उनके उन गीतों का फिल्म के सुपरहिट होने में खास रोल भी होता था। कुछ कह न सकी उलझन में। लेकिन धीरे धीरे गीता दत्त अपने करियर में पति के इंटरफेयर और कंट्रोलिंग नेचर से काफी परेशान रहने लगी। यासिर बताते हैं कि उस दौर में जब बाकी डायरेक्टर्स महिलाओं को घर की चार दीवारी में दिखाती फिल्में बना रहे थे, तो गुरुदत्त अपनी फिल्मों में महिलाओं की कामकाजी मजबूत छवि पेश कर समाज को नई दिशा दे रहे थे। लेकिन ये सोच उनकी अपनी जिंदगी से गायब थी। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी अपने स्टारडम को त्याग दें और सिर्फ घर गृहस्थी पर ध्यान दें, जो कि उस समय की नंबर 1 स्टार सिंगर थी। तभी इसी बीच एक और ऐसी घटना घटी जिसने आग में घी का काम किया। ये था गुरुदत्त का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इस दंपति के रिश्ते के बीच एंट्री मारी थी एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने। यही चेहरा पारो के रोल के लिए बिल्कुल ऐसे चेहरे की तलाश थी। ये लड़की जहाँ कहीं भी हो फौरन बुला, फौरन। दरअसल गुरुदत्त ने नई एक्ट्रेस वहीदा रहमान के साथ 4 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये फिल्में थी CID, प्यासा, कागज के फूल और साहब बीबी और गुलाम। वहीदा रहमान को मुंबई लाने वाले गुरुदत्त साहब ही थे। इससे पहले वो तमिल तेलुगु फिल्मों में काम किया करती थी। फिर तो गुरुदत्त एक के बाद एक वहीदा रहमान के साथ धड़ाधड़ फिल्में बनाने लगे और दोनों के प्यार के किस्से भी फिल्मी गॉसिप मैगजीन की सुर्खियां बटोरने लगे। जाहिर है इस खबर ने जैसे गीता दत्त की जिंदगी में भूचाल ला दिया। गीता दत्त जब भी इस पर सवाल पूछती तो गुरुदत्त का पारा चढ़ जाता और बातचीत लड़ाई में तब्दील हो जाती। ऐसा कहा जाता है कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन गुरुदत्त पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे और ये बात वहीदा रहमान जानती थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जानबूझकर इस अभिनेत्री ने एक नाजायज रिश्ते को आगे बढ़ाने की क्यों ठान रखी थी। जानकार बताते हैं कि वहीदा रहमान अपने फिल्मी करियर को आगे ले जाने के लिए ही गुरुदत्त को छोड़ना नहीं चाहती थीं।
और जैसे गीता दत्त की बसी बसाई गृहस्थी पर चांद के ग्रहण की तरह छाई हुई थी। सुभान अल्लाह, वाकई चौधरी का चांद। वहीदा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी वजह से किसी की गृहस्थी बर्बाद हो रही है, शादी टूट रही है और मासूम बच्चों पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है। और गुरुदत्त तो वहीदा के प्यार में सब कुछ लुटाने को तैयार थे ही। क्या चाहिए? वहीदा रहमान को लेकर गुरुदत्त और गीता दत्त में आए दिन झगड़े होने लगे। साल 1957 में गुरुदत्त और गीता दत्त की शादीशुदा जिंदगी की दरार खाई में बदल गई, जिसे कभी पाटा नहीं जा सका और दोनों अलग अलग रहने लगे। तुम झूठ बोलती हो, तुम मेरे डैडी को मम्मी से छीन रही हो, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी, समझी? फिल्म प्यासा तक बात ज्यादा बिगड़ गई थी और गीता तीनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। हालांकि गीता दत्त की ननद जानी मानी पेंटर ललिता लाजमी ने एक इंटरव्यू में इसे एक और मोड़ देते हुए बताया था कि दोनों के बीच ईगो की टकराहट थी, शायद गीता किसी बात को लेकर गुरुदत्त से नाराज थी। ललिता ने यह खुलकर नहीं बताया कि वो वजह वहीदा रहमान ही थी और वहीदा से उनके भाई के नाजायज रिश्ते थे। कहते हैं तब शादीशुदा जिंदगी में आ रही दिक्कतों की वजह से गुरुदत्त और गीता दत्त दोनों ही डिप्रेशन में चले गए थे, तो दूसरी तरफ वहीदा रहमान के साथ गुरुदत्त के अफेयर की खबरें फिल्मी मैगजीन की गॉसिप्स बनी हुई थी, लेकिन फिर भी गुरुदत्त वहीदा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अगर तुम्हारे माँ बाप अलग रहते तो मेरा नहीं तुम्हारी माँ का कसूर है। मेरी मम्मी को बुरा भला कहने वाली तुम कौन होती हो? हमारे घर में जो कुछ भी हो हमारे घर की बात है, पढ़ाई जिंदगी में दखल देगा तुम्हें क्या है? वहीदा को लेकर गुरुदत्त की दीवानगी को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जहां एक तरफ गुरुदत्त अपनी प्रेमिका वहीदा रहमान के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जी जान से जुटे हुए थे, वहीं शादी के बाद जब उन्होंने पत्नी गीता दत्त को लेकर गौरी नाम से एक फिल्म की शुरुआत की थी तो मुहूर्त के दो दिन बाद ही इसकी शूटिंग रोक दी थी और कहा था कि गीता सेट पर मुझसे झगड़ा करती हैं। इसे गीता दत्त की बदनामी भी हुई थी और उनके करियर पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। इसी बीच गुरुदत्त ने फिल्म बनाई कागज के फूल, जिसकी कहानी काफी हद तक गुरुदत्त, गीता दत्त और वहीदा रहमान की दास्तान लगती थी, लेकिन गुरुदत्त ने इसको इस अंदाज में पेश किया कि फिल्म में अलग हुई अमीर पत्नी को वैम्प के तौर पर दिखाया जो पति को अपनी बच्ची से मिलने नहीं देती। मेरी बच्ची को अब कोई भी मुझसे नहीं छीन, कोई भी नहीं। वेल, फिर मत कहना कि खबरदार न किया। जाहिर है इससे बाहरी दुनिया को जहां इनके रिश्तों पर गॉसिप करने का मौका मिल गया तो दूसरी तरफ गीता का भी पेशेंस जवाब दे गया। त्रासदी देखिए कि इस फिल्म में भी सारे फीमेल सॉन्ग्स गीता दत्त ने ही गाए और ये गाने वहीदा पर फिल्माए गए थे। फिल्म में वहीदा का पात्र दुख से वो गाने गाता है जिन्हें शायद उससे भी ज्यादा दुख के साथ गीता ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाया था। तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। पति का घर छोड़ने के बाद गीता दत्त अब धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। तीन तीन बच्चों की जिम्मेदारी, ऊपर से गुरुदत्त अपने बच्चों से मिलने के नाम पर गीता के घर जाते और दोनों में खूब झगड़ा होता। गीता इन सब सिचुएशन से डील नहीं कर पा रही थी और इसका असर उनके काम पर भी पड़ने लगा था। वो रिकॉर्डिंग पर लेट पहुंचने लगी थी, हमेशा खोई खोई सी रहने लगी और गम भुलाने के लिए शराब का सहारा भी लेने लगी। संगीतकार भी उनके लेट आने से परेशान होने लगे और धीरे धीरे उनसे मुंह मोड़ने लगे। दूसरी तरफ गुरुदत्त भी शराब और सिगरेट में डूबे रहने लगे। उनकी जिंदगी में तो दो तरफा तमाशा चल रहा था, एक पत्नी से झगड़े तो दूसरी तरफ अब वहीदा रहमान से भी उनके रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। जाता है ये मुतारो अपनी जूती। बताते हैं कि गुरुदत्त वहीदा को लेकर इतने पजेसिव थे कि उनके फिल्में करने को लेकर भी डिसीजन लेने लगे थे। वो किस डायरेक्टर की फिल्में करेंगी, किसकी नहीं करेंगी, उनका शेड्यूल और उनके शूटिंग आउटडोर टूर भी। वो भले ही दूसरे प्रोडक्शन हाउस की फिल्में कर रही होती थी पर गुरुदत्त के प्रोडक्शन हाउस के मेकअप रूम में ही तैयार होने के लिए आती थी। बड़ा खूबसूरत है, मेरे लिए लाए आप?
अरे भाई पसंद है तो तुम्हारे लिए भी आ जाएगा। अब तक अपने प्रेमी से प्रोफेशनल फायदे ले रही वहीदा को अब इस हद तक दखलंदाजी और पाबंदियों से दिक्कत होने लगी और वो गुरुदत्त से कटने लगी। झगड़े शुरू हुए और धीरे धीरे वहीदा रहमान ने भी गुरुदत्त से दूरियां बनानी शुरू कर दी। मिली खाक में मोहब्बत। कहते हैं गुरुदत्त से प्रेमिका का ये नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले पत्नी और बाद में प्रेमिका के जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले गुरुदत्त का अब अपनी ही जिंदगी से कंट्रोल खत्म होता जा रहा था। जला दिल का आशियाना। पत्नी छोड़कर जा चुकी थी, बच्चे दूर हो गए थे और प्रेमिका ने भी साथ छोड़ दिया था। अब कुछ गुरुदत्त के साथ था तो शराब और नींद की गोलियां। वो डिप्रेशन में चलते जा रहे थे और खुद को संभालना मुश्किल जान पड़ता था। ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के। अब बताते हैं उनकी मौत के एक रात पहले की कहानी, जिसका जिक्र उनके दोस्त और उनकी ज्यादातर फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 ईयर्स विद गुरुदत्त में किया था। अबरार अलवी के मुताबिक 9 अक्टूबर 1964 को जब वो गुरुदत्त से मिलने गए तो वो शराब पी रहे थे। इस बीच उनके गीता दत्त से फोन पर लड़ाई हो चुकी थी। वो अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाह रहे थे और गीता उसे उनके पास भेजने के लिए तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि एक तो गुरुदत्त नशे में थे और दूसरा ये कि काफी रात हो चुकी थी। फिर गुरुदत्त ने पत्नी को अल्टीमेटम दिया था कि अगर बेटी को नहीं भेजा तो मेरा मरा मुंह देखोगी। मैं घबरा के पी गया। ये सब कुछ नशे की हालत में हुआ था। मिस्टर सिन्हा, क्या आप अकेले अपनी बेटी की परवरिश कर लेंगे? जरूर कर लूंगा। कैसे? शूटिंग और एडिटिंग के सिलसिले में सारी सारी रात आपको स्टूडियो में रहना पड़ता है, फिर आपकी बेटी की देखभाल कौन करेगा? भरोसे वाले नौकर चाहते हैं घर में। 1 बजे रात साथ खाना खाने के बाद अबरार अपने घर चले गए। दूसरे दिन दोपहर में उनके पास एक फोन आया। जब वो गुरुदत्त के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो पलंग पर लेटे हुए थे। मेज पर एक गिलास रखा हुआ था जिसमें एक पिंक लिक्विड जैसा कुछ नजर आ रहा था और गुरुदत्त की सांसें थम चुकी थी। नौकरी चली गई, हमेशा के लिए चली। बताया गया कि उन्होंने शराब के साथ नींद की ज्यादा गोलियां ले ली थी और इसी से उनकी मौत हुई थी। अबरार अलवी ने बाद में बताया कि वो सुसाइड करने के तरीकों पर उनसे पहले भी चर्चा कर चुके थे और 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुके थे, इसलिए ज्यादा संभावना इसी बात की थी कि उन्होंने जानबूझकर अपनी जिंदगी को खत्म किया था। 1964 में 39 ईयर्स की उम्र में गुरुदत्त ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। सिन्हा साहब, सिन्हा साहब, उनकी मौत की खबर फिल्म इंडस्ट्री में तूफान की तरह फैली। कहा जाता है कि उनके इस रहस्यमयी मौत को लेकर फिल्मी गलियारों से लेकर आम लोगों में भी खूब कहानियां गढ़ी गईं और तरह तरह के कयास लगाए गए जो आज तक जारी हैं। वही इसके लिए कोई वहीदा रहमान को कोसता तो कोई गीता दत्त को, तो कोई कहता जैसी करनी वैसी भरनी। देखी जमाने किया। खैर, ये एक दुखद अंत था उस शख्स की जिंदगी का जो हिंदी सिनेमा का नायाब रत्न था। बिछड़े सभी बारी बारी। जिसमें असीम संभावनाएं थीं और जो भारतीय सिनेमा को असीम ऊंचाइयों पर ले जाने का मादा रखता था, लेकिन निजी जिंदगी में लिए गए गलत फैसलों और उससे उपजे हालातों की वजह से सब कुछ खत्म हो गया था और एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद हो गई थीं। बिछड़े सभी बारी बारी। कहते हैं इस घटना से वहीदा रहमान ने पल्ला झाड़ लिया था और अपनी लाइफ और अपने करियर में बिजी हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ इस इंसिडेंट ने गीता दत्त को बुरी तरह से तोड़ दिया था। पति की मौत, बच्चों की जिम्मेदारी और लड़खड़ाता करियर। वक्त ने किया
एक वक्त ऐसा भी आया जब गीता दत्त की याददाश्त पूरी तरह से चली गई और वो अपने बच्चों को भी नहीं पहचानती थी। आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने फिर से गाने की कोशिश भी की, लेकिन करियर तो पहले ही बर्बाद हो चुका था। गुरुदत्त की मौत के बाद गीता ने भी बहुत शराब पीनी शुरू कर दी। इस दौरान कई गाने जो पहले गीता दत्त को मिलने वाले थे, वो आशा भोसले की झोली में जाने लगे। आखिरकार साल 1972 में लीवर की बीमारी से जूझते हुए 41 साल की कम उम्र में ही गीता दत्त का भी दुखद निधन हो गया। ये भी ट्रेजेडी ही थी कि इसके 10 साल बाद गीता के बड़े बेटे तरुण ने भी सुसाइड कर लिया। उस कमरे में गीता गुरुदत्त की फोटो लगी थी जिसमें वो बच्चों के साथ खुश नजर आ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बेकरार दिल इस तरह मिले। गीता दत्त सिंगिंग की दुनिया में लता मंगेशकर, आशा भोसले सबसे ज्यादा वरिष्ठ थी और हिट थी, लेकिन गुरुदत्त से शादी के बाद उनकी जिंदगी ऐसी हो गई कि जैसे उनका सब कुछ छिन गया, नाम, शोहरत, दौलत, परिवार, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। बेशक गुरुदत्त एक महान फिल्मकार रहे हों, लेकिन वो अपनी और अपनों की जिंदगी की पटकथा को वो रूप न दे पाए जो होनी चाहिए थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये शो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको इससे जुड़ा कुछ किस्सा, कोई कहानी पता हो तो वो भी लिख कर बताना मत भूलिएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप भी मेरी तरह घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रेवल ब्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहाँ आपको अलग अलग जगहों, मोनूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।